तुमने पहले भी कहा है कि जितना भी हो सके खुद को बिजी रखो, सारा दिन फारिग रहोगी तो ऐसे ही ख्याल आएंगे ना तुम्हारे दिल में। अरे पापा, ये ख्याल नहीं है, ये सच है। मैं वाकई प्रेग्नेंट हूँ। तुमने पहले भी तो ऐसा कहा था, याद है तुम्हें? पहले की बात और थी ना। मैं सच कह रही हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कोई अनोखी बात कह रही है? क्या क्या हमारा बेबी नहीं हो सकता? ये सब तुम्हारा वहम होगा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि जब तक अपने ख्यालात पर तुम खुद काबू पाने की कोशिश नहीं करोगी, हम में से कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सके। तुम बार बार अपने पहले भी तो मान गए थे जब कहा था। तो अब ऐसी क्या बात हो गई है? अच्छा, शादी हो गई है, साथ आ गई हूँ, इसलिए वैसे भी मैंने सुना है शादी के बाद बेयकीनी बढ़ जाती है, लोग बदल जाते हैं। बदल गए हो? मेरी बात गौर से सुनो ना, मैं बदला हूँ ना ही तुम माँ बनने वाली हो। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की इख्तरा है, तुम्हारा वहम और कुछ भी नहीं। कहीं तुम वर्दा की वजह से तो नहीं कह रहे? नहीं रुको, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि वो मेरी बहन है तो जैसे वो मां नहीं बन सकती ऐसे मैं भी नहीं बन सकती? ऐसा नहीं होता है, वाकई ऐसा नहीं होता है। सब डिफरेंट केस होता है सबका। ऐसा नहीं होता कि सब बहन एक जैसे। कैसे यकीन दिलाऊं? हाँ, हेलो हेलो। हाँ वरदा, क्या क्या हुआ? बिजी थे क्या? नहीं नहीं बिजी नहीं था, मुझे बताओ क्या हुआ, खैरियत है? नहीं कोई बात नहीं थी, बस वो ऐसे ही। अच्छा चलिए आप काम करें। अरे नहीं कोई बात है तो मुझे बताओ, वरना मैं परेशान होता रहूंगा कि पता नहीं क्या बात थी। मैं बात कुछ नहीं थी, वो शायद आप भूल गए हैं मैं रोज आपको इस वक्त फोन करती थी, बस आदत कर दिया और कुछ नहीं। अब आदतें इतनी जल्दी थोड़ी छूटती हैं, उनसे कौन सा निकाह पड़ा होता है कि तीन लफ्ज बोले और तीन मिनट से पहले ही छूट जाए। खुदाफिज़।